डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे नवोदय और सैनिक स्कूल के इस कोर्स के अंदर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10। और इस चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में। और आप सभी लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो भी बच्चे क्लास सिक्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय स्कूल में या फिर सैनिक स्कूल के अंदर, उनके लिए ये कोर्स कम्प्लीटली डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अपने सिलेबस का, जो नवोदय स्कूल का सिलेबस है, उस सिलेबस में से कितना पार्ट हमने कम्प्लीट कर लिया है, इसको सबसे पहले हम देखने वाले हैं। अगर आप चाहो तो जो सैनिक स्कूल का सिलेबस है उससे आप मैच करके देख सकते हो कि मैथ्स के अंदर कितने टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर मैं बात करूँ नवोदय स्कूल की, तो आपको पता है कि सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने नंबर्स और न्यूमेरिक सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। सेकंड चैप्टर में फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, फिर फ्रैक्शन के बारे में हमने सीखा, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं इसको जाना, इसके क्वेश्चंस को भी करे हैं। एलसीएम एंड एसीएफ हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 के अंदर। डेसिमल्स का हमने देखा था चैप्टर नंबर 6 के अंदर, डेसिमल के बारे में, और जो कन्वर्जन है डेसिमल का इसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 के अंदर। न सिर्फ कन्वर्जन, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर मेजरमेंट देखा। चैप्टर नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त चैप्टर था हमारा, जिसमें डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के बारे में हमने जाना। और आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 10, और इस चैप्टर नंबर 10 का नाम है अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, एक चीज मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको क्वालिटी ऐसा लग रहा होगा कि वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, तो आपको अपने मोबाइल में जा करके क्वालिटी वीडियोस की बढ़ानी है। 360 480 पे भी देखोगे तो प्रॉपर आपको दिखेगा, प्रॉपर समझ आएगा। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं, देखिए शिकायत करने से कुछ नहीं होगा यार, आपको अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपको वर्ड्स दिखेंगे। और जो वर्ड्स बड़े में लिखे होते हैं वो तो आप डेफिनेटली देख ही पाते हो, समझ पाते हो, वो चीज़ आसान है। देखिए, और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कशन करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ पैरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में भी डिस्कशन होगा। और इस तरीके से हम मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। देखिए, मैं सिलेबस क्यों हर वीडियो के कॉन्सेप्ट के अंदर मैं डिस्कस करता हूँ, इसका एक लॉजिक होता है कि जब भी हम सिलेबस को देखते हैं तो हमें पता लगता है यार, हमने है ना मैथमेटिक्स का लगभग है ना 50% 60% सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है। वैसे रीजनिंग भी मैं डिस्कशन करूंगा आपको, और रीजनिंग तो 10 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 10 टॉपिक्स यहाँ पे दिखे हुए हैं, चाहे वो फिगर मैचिंग हो, एनालॉजी हो। रीजनिंग में तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है और फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना है ज्यादा से ज्यादा। ओड मैन आउट हुआ, एम्बेडेड फिगर हो गया, पैटर्न कॉम्प्लीशन हो गया, मिरर इमेजिंग हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लीशन हो गया, सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर से रिलेटेड फिगर सीरीज हो गई, पंच होल पैटर्न हो गया, ये सारी चीजें रीजनिंग के अंदर हम सीखने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में, और लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। लैंग्वेज में हिंदी के भी कुछ पैराग्राफ्स कराऊंगा और इंग्लिश मीडियम के भी कुछ पैराग्राफ्स में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो ये चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, उसके एक्सप्रेशन के बारे में, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। एस्टिमेट करना, राउंड ऑफ करना, इसको हम जानेंगे, यानी कि हम एस्टिमेट करते हैं कि अगर 78 है तो उसको हम 80 एस्टिमेट कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे 80 में। तो एस्टिमेशन लगाना, राउंड ऑफ करना, डेसिमल प्लेसेस की भी राउंडिंग के बारे में जानेंगे कि अगर 4.9 लिखा हुआ है तो इसको हम 5 लिख देते हैं तो कैसे लिखते हैं। डेसिमल्स की भी राउंडिंग के बारे में बात करेंगे, अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अप्रोक्सीमेशन का ना एग्जैक्ट मतलब होता है सन्निकटन, यानी कि बिल्कुल उसके पास की वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपको मिल गए हैं 99 मार्क्स मिले हैं 100 में से, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऑलमोस्ट अप्रोक्स 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं। आप कह सकते हो यार, पूरे 100 में से 100 मेरे मार्क्स आ चुके थे, मैडम ने एक मार्क्स अपनी मर्जी से कट कर लिए। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्स 100 के अप्रोक्स पूरे मार्क्स मिले हैं मुझे।
आप कहते हैं यार मेरे ना मार्क्स है ना अब याद नहीं आ रहे हैं, मेरे को ऐसा पता है कि 80 से ऊपर ही आए थे। मतलब आपको ये पता है 80 से लेके 90 के बीच में आए थे या 80 से लेके 85 के बीच में आए, तो आप क्या बोल रहे हो 80 से ऊपर, यानी कि आप राउंड ऑफ में बता रहे हो वैल्यूज को। इसी तरीके से नियरेस्ट राउंडिंग हम करते हैं, उसके पास की जो निकटतम रहती है उसका राउंड हम लेते हैं, और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा ना, आप यकीन मानना, आपको ये डेफिनेटली अंदाजा हो जाएगा कि आप सबसे पहले जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, एग्जांपल्स को जब आप कंप्लीट करोगे तो क्लियर कट आपको समझ आ जाएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ आ जाएगा। तो एग्जांपल्स तक आपको बिल्कुल रुके रहना है, वेट करना है, वीडियो लास्ट तक कंप्लीट करना है। और हमेशा की तरह मैं आपको याद दिला देता हूँ, और बहुत सारे बच्चों को ये बातें याद हो चुकी होंगी क्योंकि हर बार मैं बोलता हूँ यार, आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी नोटबुक और पेन। क्या होना चाहिए? नोटबुक और पेन। और जिसके पास है वो कमेंट में जरूर लिखना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ बाद में। और कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपके पास आपकी नोटबुक है या फिर नहीं है, साथ में कमेंट कर देना। और नोटबुक और पेन है तो अब आप वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाइए, समझने के लिए तैयार हो जाइए कॉन्सेप्ट को, क्योंकि तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आते हैं जब आप चीज़ों को लिख लिख करके प्रैक्टिस करते हो। तो ये हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, एस्टिमेशंस, राउंडिंग्स, अप्रोक्सीमेशंस, नियरेस्ट राउंडिंग और एग्जांपल्स भी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यार, एस्टिमेट्स और राउंडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना, यानी कि जब आप किसी नंबर्स का अंदाजा लगाते हो, जैसे मान लो अब मैंने आपको बोला 38 प्लस 19 प्लस करोगे तो क्या होगा, 38 प्लस 19 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 38 को आपने अपने दिमाग में राउंड लगा दिया 40, और 19 को आपने प्लस कर दिया 20, तो एस्टिमेट कितने का लगा दिया, लगभग 60 के बराबर वैल्यू होगी। आपने ये राउंड ऑफ में बता दिया वैल्यू, इसको हम कहते हैं एस्टिमेट करना। मतलब आपने क्या किया, 38 था तो आपने कहा चलो यार ये 40 है और इधर 19 है, तो 19 है मतलब 20, 40 और 20 यानी कि 60, ये राउंड मतलब एस्टिमेट कर लिया आपने कि हाँ ऑलमोस्ट उसके नियरेस्ट वैल्यू आएगी। एक गेस करते हो, एस्टिमेट का मतलब क्या करते हो, आप एक गेस करते हो नंबर क्या यार इसके आसपास नंबर होगा, और एग्जैक्ट जब आप इसको प्लस करोगे तो फिर क्या होगा इसका आंसर, तो फिर इसका आंसर 57 होगा, होगा नहीं होगा, और 57 कहीं ना कहीं 60 के आसपास ही है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 9 और 8 17 होगा, और 3 और 1 4 और 5 5 57 किसके आसपास है, 60 के आसपास है। तो आपने एक राउंड ऑफ वैल्यू ले ली, गेस कर लिया, उसको एस्टिमेशन कर दिया। और राउंडिंग का मतलब क्या है, देखिए 38 को आपने राउंड कर दिया 40 में, इसी तरीके से 14 को आपने राउंड कर दिया 10 में, 85 को राउंड कर दिया 80 में या फिर 90 में, दोनों में ही राउंड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या आपको दोनों बातें समझ आई हैं? इसमें हमारा आंसर एग्जैक्ट नहीं आता है, एग्जैक्ट आता नहीं है, लेकिन हम उसको राउंड कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं एस्टिमेशंस एंड राउंडिंग। ये आपको समझना पड़ेगा, यानी कि नंबर यू से 10 नंबर्स क्लोजर, यानी कि 10s के क्लोज करोगे तो 30 के पास में कौन सा नंबर है, 40 है, 14 किसके पास में है, 10 के पास में है, 85 किसके पास में है, 80 के पास में है, और 90 के पास में है, तो दोनों भी आप रख सकते हो राउंडिंग में, 80 भी रख सकते हो और 90 भी रख सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा एक पूरी टेबल के थ्रू कि इसके बाद वैल्यू आएगी तो क्या राउंड ऑफ करना है, और एग्जांपल्स में तो और अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखिए ये इसको है ना ध्यान से नोट डाउन करना कॉपी में यार, ये जो डेसिमल प्लेसेस वाली चीजें हैं ना इसको आप ध्यान रखो, और जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ना उस पे फोकस करो, ये क्या लिखा हुआ है इसको आप रीड आउट करने की कोशिश करोगे कुछ नहीं समझ पाओगे। आप इतना समझो कि मेरे पास एक वैल्यू दी हुई है 3.248, एक वैल्यू दी हुई है 3.248, अब मुझे राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ अगर मुझे करना है डेसिमल के वन प्लेस तक तो मैं लिखूंगा 3.2। अगर डेसिमल के वन प्लेस तक राउंड करने को बोला तो मैंने क्या लिखा इसको 3.2, बाकी इस नंबर से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इसी नंबर को डेसिमल के दो प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो, तो ये 248 लिखा हुआ है ना, तो ये 48 लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है, तो मैं इसको 25 कर दूंगा, ये 48 को मैं क्या कर सकता हूँ, ये टू डेसिमल्स के दो प्लेसेस तक किया है तो ये 48 लिखा हुआ है, तो 25 लिख सकता हूँ, यानी कि 3.25 लिख सकता हूँ। तो ये डेसिमल्स को मैंने राउंड कर लिया यहाँ पे दो प्लेसेस तक, और यही चीजें लिखी हुई है यहाँ पे कि वन डिजिट इसका यूनिट डिजिट 3 है, और
और ये 10th प्लेस पे, ये 100 पे, ये 1000 पे, ये लिखा हुआ है पूरा कंप्लीटली। तो हम कैसे डेसिमल्स को राउंड ऑफ करते हैं, ये सारी चीजें इस एग्जांपल के अंदर दी हुई है। जैसे 3.248 लिखा हुआ है तो इसको 3.2 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से इसको अगर दो प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो ये जो 8 लिखा हुआ है ना, इसको अब 8, अब ये 24 लिखा हुआ है तो 25 हो जाएगा, तो 3.25 हो जाएगा अगर मैं दो प्लेसेस तक राउंड ऑफ करूंगा। तो देखिए, अगर डेसिमल की कोई सी भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 4.829, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि वन प्लेस तक, वन डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो ये 8 लिखा है ना, 4.8, तो 4.8 अगर 2 लिखा हुआ है तो 8 के बाद आप इसको लिख सकते हो 4.9 लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर आपको मैं बोलूं कि अच्छा दो डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो ये 8 2 लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4.80 लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, दो प्लेसेस तक। अगर आपको 3 प्लेसेस तक करना है तो 829 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 4.830। बहुत सिंपल है, मतलब अगर आपको डेसिमल्स प्लेसेस में चीजों को करना है तो उसके अप्रोक्स में जो वैल्यू रहती है उसको हम लिखते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए, जो अप्रोक्स वैल्यू होती है ना, जिसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन, वो एग्जैक्टली किस तरीके से करते हैं आप समझिए एक बार और एग्जांपल्स के थ्रू। अब 278 में प्लस करना है 167 का, तो 278 को 280 लिख दिया और 167 को 170 लिख दिया और इसको प्लस किया तो क्या आ गया, 450 आ गया। अगर आप इसको प्लस करते तो एग्जैक्ट आंसर इसका 450 नहीं आता, इसका क्या आंसर आता, अगर आप इसको प्लस करने जाते तो यहाँ पे 16 होता, कैरी फिर आपकी 1 आती, फिर 7 और 1 8 हो जाता, 8 में 6 को प्लस करते 14 होता, 14 का फिर 4 लिखते, फिर कैरी 1 आती, तो 2 और 1 3 और ये 4 446 आता। यानी कि ये नंबर किसके पास में है, ये नंबर है हमारा 450 के पास में है। तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे हमने इसका अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है राउंड ऑफ करके, तो इसका अप्रोक्स आंसर क्या आ गया, 450। यानी कि अगर कोई भी नंबर जिसका आप राउंड ऑफ करना चाहते हो उसका सिंपल सा एक इसके थ्रू आप राउंडिंग कर सकते हो। इसके थ्रू देखो, अगर नंबर 45 है, मान लो 40 से लेके अब आपको दिया हुआ है 44, तो 44 किसके नियरेस्ट में है, ये 40 के नियरेस्ट में, तो वहां पे हम 40 लिख देंगे। लेकिन अगर नंबर आपका 45 आ गया या 45 से ज्यादा आ गया तो आप उसको 50 के राउंड ऑफ में करोगे। नियरेस्ट वैल्यू देखनी रहती है किसके पास में है। अब जैसे मान लो, सिंपल सी बात है, इसको ऐसा समझो आप, यहां से आप बिल्कुल यहां पे एक आपने देखा एक यहां पे पानी पीने की जगह है, राइट, ये पानी पीने की जगह, आप रास्ते में चल रहे हो, आपने देखा यार एक जगह पे यहाँ पे पानी पीने की है, फिर आगे निकलते जा रहे हो आप और फिर आप देख रहे हो कि यहाँ भी पानी पीने की जगह है और आप बीच रास्ते में खड़े हो, यहाँ पे बीच रास्ते से थोड़ा सा आगे, तो आप कहाँ जाना चाहोगे, इसके पास में जाना चाहोगे कि इसके पास में जाना चाहोगे। नियरेस्ट आपका तो ये वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर है, तो यहाँ पे आप पहुंचोगे, जो जिसके नियरेस्ट रहता है वही, और बीच में रहता है, अगर बीच में रहता है, बहुत सारे बच्चों कन्फ्यूजन रहता है सर अगर 45 हो तो क्या करोगे, आगे वाले नंबर की तरफ बढ़ना चाहिए, अगर 45 है तो 50 की तरफ बढ़ना चाहिए, अगर 35 है तो 40 की तरफ बढ़ना चाहिए, अगर 25 है तो 30 की तरफ बढ़ना चाहिए, हम पीछे बहुत कम आते हैं, हाँ अगर 44 है तो फिर 40 हम राउंड ऑफ कर लेंगे। तो ये नियरेस्ट राउंडिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि अगर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9 और 10 दिया हुआ है, अगर आपको 3 दिया हुआ है तो 3 1 के बिल्कुल पास है, आप ऐसा समझो। इसी तरीके से अगर आपको 5 के बाद के नंबर कोई दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो ये 10 के पास में, तो इस तरीके से हम राउंडिंग करते हैं नियरेस्ट में। अच्छा, तो आप बोलो कि सर अभी तक मुझे बिल्कुल कुछ ये समझ में नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है ना, तो मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा जिसमें कि यूनिट टेंस और 100 से कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा और उसमें बिल्कुल आपको चीजें समझ आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। मेरे साथ प्रैक्टिस करना है आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा इन एग्जांपल्स के थ्रू, और इन एग्जांपल्स को करने के बाद आपको डेफिनेटली 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इनको करने के बाद आप कह सकते हो कि सर मुझे अप्रोक्सीमेशन, राउंडिंग ऑफ, एस्टिमेशन, कुछ भी कहें, वो मुझे समझ आ चुका है। इसीलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रख ली हैं आपके लिए। फिर हम क्वेश्चंस अलग से करते ही हैं, ये आपको पता ही है, क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं एग्जाम्स में उनको भी हम करेंगे आने वाले बड़े लेक्चर्स में। तो अभी हम कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ ये चीज़ें क्लियर कर लेते हैं।
टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड में कैसे हम चेंज करेंगे। देखिए यहां पे टेंस पोजीशन को चेंज करना है, और टेंस मतलब ये वाली पोजीशन। तो 88 में अगर आप ध्यान से देखो, 88 को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे 88 को अगर आप ध्यान से देखो देखोगे तो क्या होगा, 88 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 90। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है 71, तो 71 ये किसके नियरेस्ट टेंस में है, तो 71 से लेके 80 तक देखो ये किसके पास में है, 70 के पास में है, तो इसका 70 होगा। 33 किसके पास में है, आप खुद बता सकते हो, ये 30 के पास में है। इसी तरीके से 79 ये किसके पास में है, 79 है 80 के पास में। इसी तरीके से जो 48 है वो किस चीज के पास में है, इसको भी आपको आइडिया लग जाएगा कि जो 48 है ना वो एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि ये हमारा पास है 50 के। तो ये आपको जो जो नियरेस्ट टेंस मैंने आपको बताए हैं ये आपको एग्जैक्ट समझ आ चुके होंगे। तो अब बारी है कि नियरेस्ट हंड्रेड्स भी हमें बता दो सर, कि 208 किसके पास में, 208, अब 100 पे हमें फोकस करना है, 208 किसके पास में, वो 200 के पास में है। अच्छा 200 के पास में, अगर ये पूछता कि 264 किसके पास में, तो हम कह सकते हैं कि 300 के पास, क्यों, क्योंकि 50 के बाद के नंबर सब हम देखना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट, जब टेंस को कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट्स को देख रहे थे, जब हम हंड्रेड्स को करते हैं तो इन दोनों डिजिट्स को देखते हैं। अब ये 32 है, 832 यानी कि ये 800 के पास में। इसी तरीके से ये 46 है, ये भी 400 के पास में, ये भी 32 है तो ये 600 के पास में, ये 87 है यानी कि ये हमारा नंबर 150 से ज्यादा है, यानी कि 200 के नियरेस्ट में। तो ये 100 का नियरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरीके से हम 1000 के भी नियरेस्ट को भी चेकआउट करने वाले हैं, और अगर आपको 1000 का नियरेस्ट चेकआउट करना है तो ये है आपका 9, और 928 लिखा हुआ है, यानी कि ये नंबर जो है वो 10,000 के पास में होगा। इसी तरीके से 3,992 है, 992 यानी कि ये नंबर 4,000 के नियरेस्ट में होगा। इसी तरीके से ये नंबर 5,136 लिखा हुआ है, यानी कि ये नंबर 500 से तो ज्यादा नहीं है, यानी कि ये नंबर 5,000 के पास में है। इसी तरीके से अभी ये जो नंबर है ना 500 से ज्यादा है, यानी कि ये नंबर हमारा किसके आसपास में है, ये 8,000 के पास में। इसी तरीके से 8,800 लिखा हुआ है तो ये होगा हमारा 9,000 के पास में। तो ये है हमारा 100,000, और इस तरीके से हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। और ये इस तरीके का प्रॉपर एग्जाम्पल देख करके मैंने सारी बातें आपको समझा चुका हूं। तो आपको समझ आ चुका होगा ये कंप्लीटली कि कैसे कैसे हम इनके एग्जांपल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जांपल्स आपको कंप्लीटली समझ आ चुके हैं, नियरेस्ट टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड के, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इनके एग्जांपल्स को कंप्लीट कर सकते हो, और एग्जांपल्स करने के बाद आपको पूरा आइडिया लग चुका होगा कि कैसे हम अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को करने वाले हैं, और बहुत सिंपल होने वाला है ये। सो आई होप कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर था ये, आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको डाउट रहते हैं तो आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हो, और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा प्रोग्राम है, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। इसमें होता क्या है कि हम बच्चों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। अब ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट क्या होता है, YouTube पे कहें या जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स देखें, बहुत सारी वीडियोस रहती हैं बच्चों को प्रिपरेशन कराने में, लेकिन बच्चों के डाउट्स क्लियर कौन करता है, डाउट्स क्लियर हम करते हैं। बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस करना, जब तक उसके एग्जाम्स नहीं हो जाते, उसने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, प्रॉपर कॉल पे कनेक्ट रहना, एक मेंटर का होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है मेंटोरशिप प्रोग्राम के नाम से, और इस मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जो भी पॉक्स हैं उन सब के आपको लाभ मिलने वाले हैं। जैसे कि जो वीडियोस आप देखते हैं इसके आपको नोट्स चाहिए होते हैं, पीडीएफ नोट्स चाहिए होते हैं, या फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए होते हैं, आप चाहते हो कि आप हमारा टेस्ट ले सर हमारा कितना प्रिपरेशन हुआ है कितना नहीं, तो बिल्कुल 1-to-1 गाइडेंस, टेस्ट, ये सारी चीज़ें मिलती है आपको जब हमारा आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो। सो थैंक यू सो मच, and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.